स्टैंड गिरने की वजह से उसका जो मोबाइल होल्डर था वो टूट गया था, जिसकी वजह से मैंने जो अपनी न्यू प्रोडक्ट बनाई है उसकी ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करना रह गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को लग रहा होगा कि आज की वीडियो कोई रेजिन का ट्यूटोरियल नहीं है और मैं खुद आके क्यों वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो रीज़न ये है कि मैं रेजिन का ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर रही थी और गेस व्हाट, क्या हुआ मेरे साथ कि मैं जब रेजिन का ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करती हूँ तो मैं ये माइक, तार वाला माइक, ठीक है, ये साथ लगा के वॉइस ओवर के लिए या रेजिन की प्रोडक्ट बनाने के लिए ये माइक जो है वो मोबाइल के साथ लगाती हूँ और मोबाइल जो होता है वो स्टैंड पे लगा हुआ होता है। तो ये तार वाला माइक का सबसे बड़ा इशू क्या था कि इसकी वजह से मेरा गिर गया स्टैंड, और स्टैंड गिरने की वजह से उसका जो मोबाइल होल्डर था वो टूट गया था, जिसकी वजह से मैंने जो अपनी न्यू प्रोडक्ट बनाई है उसकी ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करना रह गया। और सबसे बड़ा मसला क्या है कि इस माइक की वजह से, कि ये माइक जब मैं रेजिन का काम कर रही होती हूँ ना तो रेजिन के बीच में जाके ये जो भी प्रोडक्ट बन रही होती है उसके साथ टच होता है, और ये देखें इसका क्या हाल हो चुकी है, इसकी तार सारी ख़राब हो चुकी है। और मुझे सबसे इरिटेशन होती है इस माइक को यूज़ करके। और फिर मैंने क्या किया कि मैंने वॉइस ओवर करना शुरू कर दिया कि मैं अपना ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करती थी और उसके बाद मैं वॉइस ओवर करती थी। बट अब क्या हुआ है कि फिर मैंने सोचा कि एक ऐसी चीज़ लेनी चाहिए जो वायरलेस हो, जैसे ब्लूटूथ माइक आजकल बहुत चल रहे थे। सो गेस व्हाट, मैंने क्या लिया है, वायरलेस माइक। और मैंने सोचा क्यों ना ये वायरलेस माइक आप लोगों के साथ अनबॉक्स करूं, क्योंकि आप लोग भी रेजिन आर्ट की वीडियोस बनाते होंगे और आप लोगों को भी ये मसाइल फेस करने पड़ते होंगे कि आपकी तार टच हो रही है, आपका स्टैंड गिर रहा है, आपका मोबाइल कनेक्ट नहीं हो रहा माइक के साथ। ये बहुत सारे इश्यूज़ थे जो मुझे फ़ेस करने पड़े, आपको भी करने पड़ते होंगे। तो आज हम अनबॉक्स करते हैं अपना वायरलेस माइक, जो एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए भी है और जो आईफोन के लिए भी है, और ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में है, जो जस्ट 3000 में आप ये माइक ख़रीद सकते हैं। और इसमें डबल माइक है, दो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वीलॉगिंग करते हैं, अगर आप रेजिन आर्ट के ट्यूटोरियल्स बनाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गैजेट है आपके लिए, आपकी वीडियोज़ बनाने के लिए, और आपकी प्रोडक्ट मेकिंग में भी आपकी हेल्प करेगा कि आप अपनी वॉइस साथ साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपको बाद में वॉइस ओवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और वायरलेस है, आपका काम ख़राब नहीं होगा। सो चले चल के देखते हैं कि इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, मैं भी पहली दफ़ा खोल रही हूँ, तो देखते हैं इसमें किस तरह के माइक हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस हैं। चलें जी, तो ये है हमारा माइक, इसको अनबॉक्स करते हैं। और मैं इसको, मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। देखते हैं कि इसमें इसकी क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं और ये किस तरह से, इसका चार्जिंग सिस्टम क्या है। मैं आप लोगों को जस्ट इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों की भी, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये आप लोगों की वीडियोस बनाने के लिए। अगर आप रेजिन आर्ट की रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं या अपने आर्ट से रिलेटेड कोई भी वीडियोस बनाते हैं, वीलॉगिंग करते, तो ये देखें कुछ इस तरह से अनबॉक्स होता है। और वाह, इसके अंदर हमारे पास हैं दो माइक्स। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैंने बहुत सारे वायरलेस माइक्स देखे हैं और उसमें क्या होता है कि 4000 रुपीज़ के भी देखे हैं जिसमें जस्ट वन माइक होता है और वन माइक के साथ आपको सारा काम करना पड़ता है। बट इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, ये आपको 3000 रुपीज़ में मिलता है और आपको टू माइक्स अवेलेबल हैं इसके अंदर, और इसके अंदर ये आपकी USB, ये इसकी पोर्ट है जिसके साथ आपके दोनों माइक कनेक्ट होंगे और ये ईज़िली आपके मोबाइल में यहाँ से कनेक्ट हो जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आपका फ़ोन आपका चार्ज नहीं है और आपकी रिकॉर्डिंग के दौरान ही चार्जिंग ख़त्म हो गई है, तो आपके माइक कनेक्ट रहेंगे और आप यहाँ से अपना चार्जर भी कनेक्ट कर सकते हैं। और दूसरा, ये जो है ये आपको दिया गया है, अगर आपके पास आईफोन है तो आईफोन के लिए भी इसकी पोर्ट अवेलेबल है। आप इसको इस तरह से इंसर्ट करके आईफोन में और इसके साथ ये वाला कनेक्ट कर सकते हैं। सो ये दो चीज़ें हैं और इसको आपको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती। मेरे ख्याल से ये आपका मोबाइल फ़ोन की ही बैटरी के साथ चार्ज हो जाता है, मोबाइल फ़ोन की बैटरी के साथ ही चलता है। और ये देखें, ये दो फोन्स, माइक्रोफोन्स, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरी वीडियोस के लिए। मुझे बहुत ही मसला होता था, मैं क्या करती थी, मुझे इस तार वाले माइक से
इतनी चिढ़ हो गई थी कि मैंने इसको यूज़ करना छोड़ दिया था। और फिर मैंने क्या किया कि अपना ट्यूटोरियल रिकॉर्ड करने के बाद मैं इस पर वॉइस ओवर करना शुरू कर दिया था। और वॉइस ओवर में मुझे मसला क्या होता था कि मैं आपको मतलब वीडियो बना लेती थी, उसके बाद मुझे उसकी एडिटिंग करनी होती थी और फिर वॉइस ओवर अलग से करनी पड़ती थी, इसलिए मेरी वीडियोज़ हो जाती थी लेट, और जिसकी वजह से बहुत बड़ा मसला हो जाता था। अब यहाँ पे देखिए, इसके साथ माइक्रोफोन चार्ज करने के लिए अभी पोर्ट बनी हुई है। आई थिंक कि इसको आप आम जो आपका चार्जर होता है ना, उसी के साथ ही इसको चार्ज कर पाते हैं, जो मोबाइल फ़ोन के चार्जर होते हैं। और ये देखिए, इसके पीछे से क्लिप है, यहाँ पे इसका पावर बटन है जिससे आप ऑन करेंगे। अभी इसकी चार्जिंग नहीं है, हम इसको चार्ज करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसी माइक के साथ बनाऊँगी और आपको शेयर भी करूँगी। और मेरे ख्याल से ये देखें, इसकी USB भी हमें साथ गिवन है चार्जिंग के लिए, सो हम इसको चार्ज भी इजीली कर सकते हैं। ये इसकी है USB, ये USB पोर्ट हमें साथ दी गई है और इसको हम इजीली चार्ज कर सकते हैं यहाँ से, इस तरह से। तो मैं अभी चार्जिंग करती हूँ इनकी, चार्जिंग करने के बाद इनको ऑन करके आपको प्रॉपर वॉइस करके भी इसके साथ ऐड करूँगी, ताकि आपको पता चले कि इसकी वॉइस कैसे है और इसकी चार्जिंग किस तरह की है। चलें जी, अब मैंने इसकी तार इसके साथ लगा दी है और इसकी पोर्ट को इसके साथ भी, अडाप्टर के साथ भी कनेक्ट कर दिया। सो अब ये देखते हैं कि इसको चार्जिंग किस तरह से होती है इसकी। और मेरे ख़्याल से इसकी लाइट यहाँ पर बनी हुई है, वो ऑन हो जाएगी जब इसकी चार्जिंग हो रही होगी। हर माइक को, दोनों माइक्स को अपना अलग अलग चार्ज करना होगा, क्योंकि दोनों माइक्स में अलग अलग पोर्ट लगाएंगे। तो बटन ऑन करके देखते हैं, ये देखें, ये वाली जो लाइट है इसकी, ये ऑन हो चुकी है, रेड लाइट। और मेरे ख्याल से जब ये चार्ज हो जाएगा तो इसकी लाइट शायद चेंज हो जाएगी। इसकी चार्जिंग के बाद मैं इसकी क्वालिटी चेक भी आपको दूंगी कि इसमें आवाज़ किस तरह से आती है। ठीक है, मैं अभी एक ही माइक चार्ज कर रही हूँ, दोनों माइक्स आप चार्ज कर सकते हैं। और जो इसकी ये वाली पोर्ट है, मीन जो इसकी मोबाइल में हमने लगानी है, इसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होती, ये मोबाइल की चार्ज बैटरी के साथ ही कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमने जस्ट अपने माइक्रोफोन्स को चार्ज करना होता है। सो ये चार्ज हो जाए, उसके बाद हम इसकी वॉइस का क्वालिटी चेक भी करेंगे कि किस तरह से आवाज़ इसमें आती है। सो होप फॉर द बेस्ट, स्टे कनेक्टेड। चले जी, हमारा माइक्रोफोन हो चुका है चार्ज। आप ये देखेंगे कि इसकी ग्रीन लाइट हो चुकी है ऑन, और अब जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो इसी के साथ बन रही है। और इसमें आवाज़ का फ़र्क आप चेक कीजिएगा, जो अभी मैं वीडियो बना रही हूँ वो मैं इस माइक के साथ बना रही हूँ, इस माइक में मेरी आवाज़ जा रही है। ठीक है, और इसका क्लिप भी मौजूद है, इस क्लिप को आप अपने यहाँ पर कहीं भी अटैच कर सकते हैं ईजीली। और अब मैं माइक उतार के आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ, तो आपको खुद ही फर्क पता चल जाएगा कि माइक के साथ और माइक के बगैर आपकी क्या क्वालिटी है वॉइस की। चलो जी, अब माइक को मैंने हटा दिया है, अब माइक के बगैर मैं इसको इसमें वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो माइक के बगैर जो क्वालिटी है वॉइस की वो आपको पता चल गई होगी, और जो माइक के साथ क्वालिटी थी वो भी आपको पता चल गई होगी। तो आपको पता चल गया होगा कि कितना ज़रूरी एलिमेंट है ये माइक्रोफोन आपके लिए। अगर आप पॉडकास्ट करते हैं, या आप व्लॉगिंग करते हैं, या आप किसी ऐसी जगह पर वीडियो शूट कर रहे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है, या बाहर के एरिया में, तो आपके मोबाइल और आपको दूर रख के मोबाइल को शूट करना है, तो आपकी आवाज़ सही तरह से मोबाइल में नहीं जाती, जिसकी वजह से आपको बाद में उसमें वॉइस ओवर करना पड़ता है, जिस तरह मुझे अपने ट्यूटोरियल्स रिकॉर्ड करने में वॉइस ओवर करना पड़ता था और मेरी वीडियोस लेट हो जाती थी। सो अब मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं अपना माइक्रोफोन लगा के ही अपनी वीडियोस को शूट करूँगी। था मेरे लिए, आपके लिए भी होगा, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस में है। तो आप भी अगर ख़रीदना चाहें तो ज़रूर ख़रीदें। अल्लाह हाफिज़।